हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलो कुछ सुबह से चटापट और फटाफट नाश्ता बनाते हैं। और ये इडली का घोल है जो थोड़ा सा बचा हुआ था, और ये पोहा को हमने भिगा के रखे थे, और ये चना दाल हम भिगा के रखे थे। इसको हमने सारे ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे इसके साथ, और इसमें बनाएंगे हम नाश्ते, ब्रेकफास्ट। चलिए आप फॉलो करिए और धीरे धीरे मैं बनाते जाऊंगा, आप देखते। ये हमने अच्छे से ग्राइंड करके थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिला के हमने रख लिए हैं, और आगे की प्रोसेस के लिए हम चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए हमने लिए हैं इतने सारे मूंगफली, और उसमें डालेंगे नारियल के साथ हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च। आप वो आपके टेस्ट के हिसाब से आप कितना तीखा खाते हैं उसके ऊपर है। और उसके अंदर हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा, और एक स्पून नमक, वो भी स्वाद की हिसाब से, और थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने एक चम्मच, ये छोटा वाला चम्मच जो है उसमें हम डालेंगे एक चम्मच। तो ये चटनी रेडी हो जाएगा। चाहे आप थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा आप कोरिएंडर लीफ डाल सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस बना लेते हैं। हम तड़का डालते हैं उस चटनी में, थोड़ा सा लेंगे तेल, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सूखी मिर्ची, और उसके ऊपर डालेंगे ये मस्टर्ड की सीड और कड़ी पत्ता, थोड़ा इसमें डालेंगे हम अभी कड़ी पत्ता। और ये जो तड़का है हम सीधा डाल देंगे उस चटनी में। ये देखिए, बिल्कुल चटनी बनके रेडी हो गया है। और आगे की प्रोसेस के लिए मैं आपको अब ये बैटर में हम डालेंगे थोड़ा सा ये प्याज, और उसमें डालेंगे हम ये टमाटर जो छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ है दोनों के दोनों, और थोड़ा सा हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते। और इसको हम अच्छे से जैसे कि अंडे के ऑमलेट को फेंटते हैं ना, वैसे ही फेंट लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये जो बैटर हमने बनाए हैं, जो उड़द वाले दाल का जो इडली वाला घोल हमने रखे थे, क्वांटिटी उसका जितना है उसका आधा आप लेंगे दाल, जो चना दाल और पोहा, उसका आधा दोनों मिला के उसका आधा, मतलब ये अगर 100 है वो 25 मिलकर 50 होना चाहिए, उतने परसेंटेज में हम इसको डालना, तब जाके इसका जो पेस्ट अच्छे से बनेगा और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो जाके पूरा होगा टेस्ट के हिसाब से। चलिए अभी हम इसको बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन बैठा लिया हूँ, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और ये जो आपे हम बनाएंगे ना उसको भी थोड़ा सा तड़का देना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो उसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा जीरा, ये देखिए प्रोसेस करिए जो है, और इसमें डालेंगे अभी ये बैटर, ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस आप देखिए, घर में बनाइए, ज़बरदस्त तरीका है बिल्कुल, और बहुत टेस्टी है। एक तरीके का नाश्ता कर करके हम बोर हो जाते हैं, तो कभी डिफरेंट करना पड़ता है। तो ये अभी इसको हम थोड़ा सा टाइम के लिए छोड़ देंगे ढांक के, ठीक है। चलिए इसको हम ढांक देते हैं, और थोड़ी देर टाइम में उसको निकल के हम फिर पलटाएंगे। ये देखिए, बस 1 से 1.5 मिनट के बाद बनके ये रेडी हो गया, और ये हम इसको पलटा देंगे ऐसे। क्या गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया शेप में, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, जैसे चटनी के साथ आप खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ी देर पलटा के और 1 से 1.5 मिनट इसको पका लेते हैं, और ये बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अभी हम इसको निकाल लेंगे दूसरे आपे के लिए अभी, और इसके अंदर फिर बैटर डालेंगे। तो देखिए टेस्टी टेस्टी आपे बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, और अभी हम अभी दूसरा और एक बार इसको बनाने के लिए छोड़ देंगे। हमने तेल डाले, फिर दोबारा थोड़ा सा जीरा डालें,
और फिर डालेंगे हम ये बैटर। ऐसे हम धीरे धीरे सारे बना देंगे। यो बन के रही, हम कर लेंगे इसको एक एक करके और दोबारा प्रोसेस फिर स्टार्ट कर लेंगे। फिर लेंगे तेल हल्का सा, ये 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 ये